हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके एटीएम और चेकबुक पर उस बैंक का नाम ही बदल जाए जहां आपका अकाउंट है। सरकार ने सोमवार को 3 बैंकों के मर्जर का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर आपका अकाउंट भी इन बैंकों में है तो आपको बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मर्जर के बाद नए बैंक का नाम क्या होगा, लेकिन इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कौन से वे 3 बैंक है जिनका जल्द ही सरकार मर्जर करने जा रही है और इसका आपके अकाउंट पर क्या असर पड़ेगा, और इसी के साथ क्या आपके जमा पैसे और चेकबुक एटीएम का नाम बदल जाएगा, तो आपको यह जानकारी जरूर जान लेनी चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के प्रस्तावित मर्जर के लिए एक पैनल का गठन कर लिया है। इस मर्जर की एंटिटी का कुल बिजनेस 14.82 लाख करोड़ रुपए होगा। हालांकि मर्जर के लिए संबंधित बैंकों के बोर्ड्स की मंजूरी भी लेनी होगी, तो ऐसे में जल्द ही बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन 3 बैंकों के विलय से आप पर क्या असर पड़ेगा। यदि आपका बैंक खाता भी इन बैंक अकाउंट में है तो आपका एटीएम और चेकबुक क्या बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 3 बैंकों का विलय यानी कि मर्ज हुआ तो बैंक के कस्टमर्स को थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ सकता है। इसके लिए KYC का प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ सकता है। वही आपका ATM और पासबुक नए सिरे से अपडेट होंगे। हालांकि इसके लिए आपको हल्का सा पेपर वर्क जरूर करना पड़ेगा। यदि आपने इन 3 बैंकों में से किसी भी एक बैंक से लोन लिया है तो आपके लोन के ब्याज की राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको पहले की तरह ही ब्याज का रकम चुकानी होगी। यदि आप सोच रहे हैं कि आखिर क्यों इन 3 बैंकों का मर्जर हो रहा है, तो सरकार का प्लान है कि बैंकों के मर्जर के जरिए ग्लोबल साइज के 4 से 5 बड़े बैंक भारत में खड़े कर दिए जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय अपने में कर दिया था, जिसके बाद से यह बैंक दुनिया के 50वें बड़े बैंकों में शामिल हो गया था। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी, और इसी तरह की काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।